नमस्कार मित्रों जय माता दी माता रानी की कृपा से फिर से एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं आज के वीडियो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के दिन का क्या रहने वाले है आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक और आज का दिनचर्या कैसे रहने वाले हैं और आज के दिन आप सभी को किन किन चीजों से आपको लाभ मिलने वाले हैं और किन किन चीजों से आपको सावधान रहना है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाले हैं वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोजाना राशि फल आपको समय पर मिल सके आपकी आज आर्थिक स्थिति भी अचानक से बदलाव होने का योग बन रहे शेयर बाजार में कॉमेडिटी से आपका उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकते हैं परिवार के साथ में आप कुछ अच्छा समय बिता पाएंगे घर में खुशी का माहौल भी बना रहेंगे इस दौरान बच्चों के जीवन साथी के साथ में आप कुछ अच्छे स्थलों पर शेयर पर भी जा सकते हैं जीवन साथी के साथ में जीवन का आनंद लेने के लिए अच्छे मौके आज आपको मिलते रहेंगे प्रेम जीवन में मानव में यह समय उन लोगों के लिए कुछ और विशेष रहने वाले हैं जिन्हें अपने किसी सहकर्मी से प्रेम है और आज सेहत के लिए भी समय अनुकूल नहीं है पेट में नेत्र और चमड़े रोगों से अपना सामना भी हो सकते हैं रिसर्च और गुण विज्ञान से जुड़े छात्रों में से अप्रयासित परिणाम भी मिल सकते हैं और आज के दिन ही आप लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को अंत में हो सकते हैं धन संबंधी सोच और योजना में सकारात्मक बदलाव आने के भी संभावनाएं होने वाली हैं शिव मंदिर में चने और दाल की अर्पित करने से आज के दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं और आज आपका भाग्यशाली रंग रहने वाले हैं आसमानी और आज आपका भाग्यशाली अंक रहने वाले हैं पांच जो आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं और आज के दिन के लिए आपके लिए तो कामयाबी रहने वाले हैं। अगर आप बिल्डर हैं तो खेतों के साइटों में काम करते हैं तो आपके बहुत बड़ा लाभ होने वाले आशांति और सुकून भरे फलों पलों का भी आज के दिन समय निकालेंगे अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने के बारे में सोच सकते हैं सोच समझ कर करें और शेयरों के निवेश से आज बचने होंगे आपका सही समय अभी नहीं आया है इसलिए इंतजार करना बेहतर होंगे अपने तकनीक और सही नहीं है इन पर अच्छे से विचार करें और किसी विशेष में से सलाह लें कोई भी निर्णय लेने से पहले सही समय का प्रतीक्षा करें चीजों को आगे बढ़ाने के बजाय स्वयं आगे बढ़ मंजिल आपकी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं और आज के ही दिन आप सभी को कुम्भ राशि वालों के लिए भी आज के दिन व्यापारिक और में से अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाले हैं जिससे आपकी आमदनी इजाफा होंगे लोहे के की और आज आदि से संबंधित व्यापारी अच्छा कारोबार करेंगे नौकरी पैसा वर्ग में कर्मचारियों में काम को लेकर बोझ बना रहेंगे ओवर टाइम भी माध्यम से काम को पूरा करने के लिए भी जोड़ दिया जाएंगे कार्य क्षेत्र में नए सौदे के लाभ की स्थिति भी आज के दिन निर्माण होंगी अचानक से किसी भी लाभ की वजह से पारिवारिक संपत्ति से इजाफा भी आज आपके ऊपर होने वाले हैं आज के दिन ही आपके केवल दिल के रिश्ते आवश्यक हैं, जो आपके सभी चिंताएं बाहर निकाल कर आनंदित ढंग से जीवन बिताने में प्रेरणा देते हैं अपने कीमती वक्त में सब कुछ पल अपने सोलमेट के लिए भी निकालें आज घर की मरम्मत और नवीकरण के लिए भी धन व्यय भी हो सकते हैं। आजकल आपको भूख प्यास नहीं लग रही है ना ही अपना मन काम में लग रहे हैं और आप आपको हर जगह से आपको एक ही चेहरा नजर आ रहे हैं तो समझ लें कि आप प्यार से पढ़ चुके हैं अपने इन रंगीन भावनाओं को भी ब्लैक एंड व्हाइट ना होने दें आपने पार्टनर्स में प्राथमिक दें लेकिन अपने काम को भूलें ना और आज के ही दिन आपके घर परिवार में धार्मिक वातावरण बने रहेंगे कोई भी और कोई आध्यात्मिक चर्चा माता पिता के साथ में हो सकती है साथ ही किसी पूजा के पाठ में अनुष्ठा के कार्यक्रम भी बन सकते हैं स्वास्थ्य ठीक ठाक बना रहेंगे लेकिन बाहरी खान पान के पर भी नियंत्रण न होने के चलते मोटापे की समस्या भी आज आपके ऊपर बढ़ सकते हैं परिवार की स्मृति बनाए रखने के लिए भी गणेश महाशर्तो का नाम पर और पाठ करना आज के दिन कल्याणकारी भी रहने वाले हैं हाल में ही कुछ ऐसे नुकसान के भी का। के कारण हुआ पारिवारिक झगड़ा भी आपको परेशान कर सकते हैं घर के वाहन से मरम्मत और नवीकरण का पर भी ध्यान आकर्षित होने वाले हैं घर के मामलों के बीच में छोड़ ना छोड़े और बल्कि इनका सामना करें आपके माता पिता के आपको समर्थन दे सकते हैं और नए निजी से व्यावसायिक संबंधों के लिए भी भविष्य में योजना बनाने के लिए समय अच्छा रहने वाले हैं अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करें कल्पना करना होगा काम को टालना छोड़ें आपका परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएंगे सफलता आपके लिए हमारा परिचय दुनिया को करवाती है सफलता हमें दुनिया से परिचय भी करवाने में सक्षम रहते हैं आप अपने पिछले समय से किसी भी पुराने व्यक्ति से मिलने की संभावना है यह व्यक्ति आपके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे सहायता करने के लेने में अपने पूर्व घरों से भी आड़े ना आने दें इससे नए रास्ते भी खोल सकते हैं आप कोई भी बदलाव नई सफलता ही लाएंगे। आपको अपने दिमाग को सख्ती से आदेश देकर ही यह सीखना होगा कि आपकी केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी चीजें ही खानी है और आपको हर रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज जरूर करनी है यकीन मानिए कि यह आपके जिंदगी में बहुत ही अच्छे और अनुभव होने वाले हैं अगर आप अगर आप जरूरत पड़े तो उस खुद को और अकेले भी में, में पूछ सकते हैं आप अपने कैसे हैं आपके खुद को और जरूर से पर भी ध्यान रखने के मदद आज आपके ऊपर मिलने वाले हैं आपको अपने पार्टनर्स को बिना कोई शर्त में प्यार और समर्थन भी देना होंगे आपके कुछ ऐसी चीज के बारे में पता चल सकते हैं जो आपके नुकसान पहुंचाए जा सकते हैं लेकिन आपको अपनी प्राथमिकताएं ध्यान में रखते हुए पार्टनर्स के साथ में सहानुभूति से पेश आना भी होगा आप पाएंगे कि आप इससे आपका रिश्ता भी मजबूत होता है अपने पार्टनर्स को जांचने के लिए कठोर ना बने बल्कि अपने रिश्ते में इस तूफानी समय का निकलने का भी आपको समझदारी से काम लेना होगा इस जिसमें से उनकी बात को प्यार से सुनना भी शामिल हो सकते हैं आप पर कि अपने व्यक्तिगत व्यावसायिक दोनों जीवन में भारी जिम्मेदारी का भार है इसलिए आपको अपने समय पर प्रबंधन उचित तरीके से करना होगा हालांकि आपके सहकर्मी आपकी मदद के लिए भी आगे आ सकते हैं आप अपना उनके सहयोग के मांग करें और लेकिन अधिक से कुछ न कहें क्योंकि एक बिंदु में आगे आपको ना ही कह पाएंगे आप में भविष्य में और योजना बनाने के लिए भी आवश्यक ऊर्जा भी आज आपके ऊपर रहने वाले हैं आज के दिन आनंद उत्साह में प्रशंसा भी रह सकते हैं अनुभव करेंगे नए कार्य की शुरुआत आज के दिन लाभदायक साबित होने वाली है मित्र सर्वजनों के साथ में भोजन के आनंद उठाने के लिए भी अवसर आज के दिन आपके ऊपर प्राप्त होने वाले हैं और यो, योग यात्रा का योग्य लक्ष्मी देवी की कृपा आज आपके ऊपर बरसने वाले हैं और आपके सारी मनोकामना भी पूर्ण होने वाली हैं आज के दिन करोध वाणी पर भी स्वयं बरतने की गणेश जी सलाह देते हैं नकारात्मक विचार में ना आने दीजिएगा खान पान में स्वयं वित्त बरतीयेगा मध्यान्ह के बाद में वह जो स्थिति साथ में अपने हाथ में आए हुए कार्य में पूर्ण कर पाएंगे रचनात्मक अथवा सार्वजनात्मक क्षेत्र में आज मान सम्मान भी आज आपके ऊपर भी प्राप्त होने की संभावना है अभी अपने काम काज में लगातार बढ़ती और स्थिति का